कांगड़ा चंबा के पूर्व लोकसभा प्रत्याशी बतन सिंह राणा ने प्रदेशवासियों को लोहड़ी, मकर संक्रांति व नव वर्ष की बधाई व शुभकामनाएं देते हुए वर्तमान राजनीति परिदृश्य पर अपने विचार साझे किए। कांगड़ा में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते बचन सिंह राणा ने कहा कि जब से लोकतंत्र स्थापित हुआ है तब से प्रदेश में मुख्यतः भाजपा व कांग्रेस ने ही राज किया है तथा दोनों दलों ने हमेशा जनता को छला है। उन्होंने कहा कि दोनों दलों एक मोनोपोली के तहत काम कर रहे हैं और चुनाव के समय दोनों दल लोगों को शराब बांटकर व अन्य हथकंडे अपनाकर वोटों की राजनीति करते हैं और सत्ता पर काबिज हो जाते हैं, फिर जनता को भूल जाते हैं। उन्होंने कहा कि आज देश की दशा व दिशा बहुत ही दयनीय है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, कोई भी सरकार बेरोजगारों के लिए कोई नीति बनाने में नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि देश में कई राज्यों में वहां के सांसदों ने युवा बेरोजगारों के लिए कई कार्यक्रम शुरू करके युवाओं को नेशनल लेवल की स्ट्रीम में जोड़ा जा रहा है, लेकिन हिमाचल में युवा बेरोजगारों के लिए कोई कार्यक्रम नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सांसद अपने ओहदे को विरासत मानकर सत्ता सुख भोग रहे हैं। उन्होंने कहा कि देश में परिवारवाद की राजनीति खत्म होनी चाहिए और आम कार्यकर्ता जिन्होंने समाज सेवा व राजनीति में कार्य करते अपनी चप्पलें घिसा दी हैं उन्हें सत्ता का दायित्व मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि आज भाजपा कांग्रेस में आजकल खरीद फरोख्त की राजनीति खुलकर चल रही है, ऐसे में स्वस्थ लोकतंत्र स्थापित के लिए हमें आजाद, स्वच्छ छवि वाले उम्मीदवार राजनीति में लाने होंगे, तभी देश का विकास आगे बढ़ेगा और बेरोजगारी व भ्रष्टाचार जैसी समस्याएं खत्म होंगी। आज मैं बचन सिंह राणा, कांगड़ा चब्बा लोकसभा पूर्व प्रत्याशी। सबसे पहले मैं कांगड़ा चंबा लोकवासियों को मकर संक्रांति, लोहड़ी और इस नववर्ष की शुभकामनाएं आपके जरिए देना चाह रहा हूं और पूरे हिमाचल प्रदेश को ही नहीं बल्कि मैं पूरे देश को भी यहां से फिर मीडिया के थ्रू, आप लोगों के थ्रू बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाह रहा हूं। दूसरा, हिमाचल प्रदेश में लगातार यहां कांगड़ा चंबा लोकसभा मैंने पीछे एक डेढ़ साल से लगभग काफ़ी लोगों से मिला हूं, काम किया है मैंने विधानसभाओं में, तो बिल्कुल मैं संपर्क साध रहा हूं सभी से। मुख्य तौर पर यहां जब से लोकतंत्र स्थापित हुआ हिमाचल प्रदेश में तो दोनों पार्टियों ने राज किया है, कांग्रेस और बीजेपी ने मिलकर दोनों को छला है यहाँ की पब्लिक, और एक मोनोपोली जैसा काम किया है इन्होंने, जैसे मोनोपोलाइज कर दिया सबको। जब वोट का समय आता है तो मैंने ये देखा है, इस समय भी देखा, इस बारी भी देखा है मैंने, कि इतना ज़्यादा दारू पिलाना, उल्टे सीधे काम करना, कैसे भी करके वोट को ले लेना, ये राजनीति तक यहाँ बस इतनी राजनीति सीमित है यहाँ की, और पूरे देश में चल रहा, पूरे देश के संगठनों में मैं काम करता हूँ तो मैं वहाँ भी देख रहा हूँ। लगभग आज जो दशा और दिशा बड़ी दयनीय है, अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ पर जो यूथ है हमारा उसको कोई दशा दिशा नहीं मिल रही है। आपने देखा होगा कि कई मैं एमपी से दूसरे स्टेट में मिलता हूँ, उन्होंने स्पेशल प्रोग्राम लगा रखे हैं अपनी अपनी कंस्टिट्यूएंसी में, अपनी अपने क्षेत्र में, वहाँ वो युवाओं को जोड़ते हैं और युवाओं को एक मेन स्ट्रीम में कनेक्टिविटी देते हैं, युवाओं को वो रोजगार प्रदान, अवसर प्रदान करते हैं, बाहर से इंडस्ट्रियलिस्ट लाते हैं, कैसे न कैसे करके अपने लोगों को जोड़ने का काम करते हैं। मैंने यहाँ आज तक कोई भी अपना यहाँ का एमपी हिमाचल प्रदेश का कोई युवाओं को अपील करते हुए कभी देखा नहीं है। ये अपने आप में इन्हें ऐसा लगता है कि विरासत इनके बाप की है या इनके घर की विरासत है, लोग जो ये समझते हैं कि भाई हम एमपी बनना है, हमें एमएलए बनना है, तो ऐसा समझते हैं कि जैसे इनके परिवार में साले दादा और बाप दादा इनके खरात इनके लिए रख कर गए हैं और ये पीढ़ी दर पीढ़ी एमएलए और एमपी बनेंगे। चल रहा है इसको ब्रेक किया जाए और जो हमारे युवा बेरोजगार हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, जो पिछड़ी जातियों के लोग हैं, जिन्हें आने का अवसर नहीं मिल रहा है, एक कोटा, विशेष कोटे से काम नहीं चलने वाला है, कोटे से ऊपर हटकर हमें काम करना होगा, हमें जो स्किल है वो ऊपर लानी होगी और हमें उन लोगों को आइडेंटिफाई करना होगा जिनके जूते चप्पल घिस गए हैं पार्टियों का नाम लेते लेते,
और बस चार पांच नाम जो चेहरे हैं उन्हीं को घूम फिर कर वोट अपना इनको टिकट देना है। को लेकर काफी योजनाएं चला रही हैं, काफी घोषणाएं की जा रही हैं, इसे कैसे लेते हैं आप? भाजपा सरकार हो चाहे कांग्रेस सरकार हो, मैं मानता हूं कि कुछ स्कीम्स हैं जो कुछ लोगों तक पहुंचती है। और अगर माना, राजीव गांधी ने एक बार खुद कहा था कि अगर एक रुपया यहां से भारत सरकार किसी को देने का निर्णय लेती है और वो उसमें से सिर्फ 10 पैसे हमारे वहाँ उस व्यक्ति तक पहुँच पाते हैं, 90 पैसे मिलकर हमारे जो मध्यस्थ करते हैं, लोग मध्यस्था करते हैं, वो खा जाते हैं। तो उन्होंने करप्शन की आवाज़ उठाई थी, मैं मानता हूँ, उनका धन्यवाद करता हूँ स्वर्गीय राजीव गांधी जी का। उसके बाद में मोदी जी करप्शन पर थोड़ा सा शिकंजा कसने की कोशिश कर रहे हैं, मैं मानता हूँ, पर मोदी जी के जो नीचे हैं वो तो एक ही सिक्के के पहलू हैं सारे, ये कांग्रेस और बीजेपी के, कांग्रेस के बीजेपी में ज्वाइन कर जा रहे हैं, बीजेपी के कांग्रेस में ज्वाइन कर जा रहे हैं। अब ये बताओ कि करप्शन को कैसे खत्म करेंगे, ये तो ऑलरेडी करप्ट है। आपका क्या मानना है कि खरीद फरोख्त चली हुई है बीजेपी में? बिल्कुल चल रही है, एक दूसरे को खरीद रहे हैं। आप देखो कि पार्टी की पार्टी तोड़ रहे हैं, तो लोकतंत्र को बिल्कुल विस्थापित करने की एक योजना है इन सबकी मिलकर। तो इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ जो हिमाचल में इंडिपेंडेंट जो आजाद उम्मीदवार या मिलकर जो अच्छे उम्मीदवार या पिछले तबके को लेकर और अगले तबके के जो सही उम्मीदवार हैं, काम करने वाले लोग हैं, उनको आगे लेकर चलें, उनका नेतृत्व आगे आए, तो उससे हम कुछ नया करने की सोच सकते हैं। अब ये बूढ़े बैल को आप कब तक खींचते रहोगे, वो कितना उसको सुधार लेंगे? जैसे एक घड़ा है, तो घड़ा पक गया तो उसका तो बिल नहीं लग सकता, कच्चे घड़े को हम बना सकते हैं। तो इसलिए हम लोगों को जो पार्टियां हैं इनको बिल्कुल खाने की आदत, बोलते हैं ना किसी अगर शेर को खून लग जाता है तो आदमखोर हो जाता है, तो ये आदमखोर हो गए हैं दोनों पार्टियां। अभी इनको आदमखोरी को छुड़ाने के लिए हमें नए लोग लाना पड़ेंगे जिनके मुंह में खून नहीं लगाओ।